ये जो बंधु आप तो रस्ते के बहुत आगे आते चले गए, हो सकता है कि इस कोर्ट में आ जाए आप तो। सुनिए भाई, पहले आते सारे पहलवान, इनको बाहर करो आप। बंधु का खिलाड़ी ललित कलाम का अनुरोध करता हुआ युवा कबड्डी लीग में इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और इस समय रेड करता हुआ हरियाणा प्रदेश का एक युवा बेहतरीन साहिल मौलक था इस समय रेड पर। देखिए अभी आपके सामने जो कुश्ती हुई थी 100 रुपए की, पहली 100 रुपए की जितनी भी कुश्ती थी वो राजपाल मीणा जो वर्तमान में पंच हैं उनके पिताजी का नाम भूल। अभी किस कुश्तियों के पहलवान ही नहीं आए, यानी कि वो पैसा लेके ट्रॉफी खाने वाले ही नहीं मिले। अब नहीं मिले तो उसमें हमारी कोई मनता तो अच्छी थी, अगर फिर भी दोबारा आना चाहे तो दोबारा आ जाए, आप पैसा ले और आइसक्रीम खाएं। और भाई अब 200 रुपए की जितनी भी कुश्तियां हैं वो हमारे मंचन श्री जयनारायण जी शर्मा इनके द्वारा 200 रुपए की कुश्तियां कराई गई सारी, जितनी भी कुश्तियां होगी उनके पैसे वो दे देंगे। पहलवान अगर बच गए तो दोबारा आ जाए, पैसे की कोई कमी नहीं, 200 की दोबारा करवा दें। पीएस है, शिक्षाविद है, बैठे हैं और थैली लेके बैठे हैं, कितनी भी कुश्तियां कराएं आप कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कुश्तियां कम से कम 500 की हो, 100 वाला 500 बढ़िया है और 1100 रुपए का भी। मनोज सोनी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने 1100 रुपए की जितनी भी कुश्तियां होंगी उनके लिए उन्होंने अपना नाम दे रखा, प्रस्तावित है जितनी भी कुश्तियां 1100 की होंगी। और भाई चार खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर डिसाइड रेड, बहुत अच्छा मुकाबला आपके बीच में चल रहा है। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में ये पहला सेमीफाइनल मैच और उनका सम्मान कराना चाहेंगे क्योंकि उसके बाद में फिर थोड़ा सा और हड़ल होगा। तो मेरे पास लिस्ट आई है, लिस्ट में सबसे ऊपर जो नामांकित कर रहा हूं भी आए और पूर्व ग्राम विकास कमेटी अध्यक्ष रहे श्री दयानंद जी कैप्टन साहब, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि भी आए माला साफा और मोमेंटो देकर के सत्यनारायण जी को सम्मानित करें। हाँ तो वाला फिर आज आजा डायरेक्ट ले ले बोले, अरे यहां से सीधा जा और आइसक्रीम खा। और भाई तीन चार का स्कोर, तीन जीतपुरा का स्कोर राहुल गांधी पर के परिवार को बनी रहे, इन्होंने बाबा की मेले की शुरुआत की है। इस बार हमने लिख से हटकर के बाबा की सब प्रतिमाएं दी है कि सब पर हम पर बाबा की बनी रहे। इसी कड़ी में मैं आगे नाम बोल रहा हूँ श्री राजेश शर्मा गुरु वो आए क्योंकि ये जो साहब है ये राजेश शर्मा जी, इनको साफा सॉरी माला और ये बाबा का प्रतीक चिन्ह। सुभाष चंद्र जी शर्मा और सम्मानित कर रहे हैं हमें हमारे पूर्व ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष रहे कैप्टन दयानंद जी। फिर दूसरा लेंगे धर्मेंद्र जी शर्मा जी आ रहे हैं, ये बाबू परिवार से हैं तो बाला साफा और कोई प्रतीक चिन्ह के द्वारा उनका भी सम्मान। आप भी तो उनको पीछे कर सकते हैं ना, पीछे करिए। अब इसी कड़ी में आगे नाम है गोपाल शर्मा, गोपाल जी आए उनको साफा माला और बंदावा ले दो, वो सेंट्रल पर बता देते हैं फोटो आ जाएगी, बंदावा दे दो, बंदा बंदावा दे दो। अब कर रहा हूँ कि वो इनको साफा माला और प्रदीप चिन्ह दे करके उनको सम्मानित करें। मनोज जी
आनंद शर्मा जी इनको इतना चीज ले लीजिए और फिर फोटो। अब इसी कड़ी में अगला नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा अमित है, थोड़ा साफ ही लिखते साहब क्योंकि अब मैं सच्चा में काम नहीं कर रहा। अमित शर्मा जी आए हैं। और ये प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए श्री मनोज सोनी जी। अब दीपक शर्मा, दीपक शर्मा जी अब ये अगला नाम है जितेश, जितेश ही नाम है। अब भी जितेश जी खड़े हैं, इनका सम्मान कराने के लिए वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी आप आए, इनको माला ताफा और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। आशीष जी, अच्छा जी, इसके बाद में आदर्श, आप ले लो ताफा, उनको कहना ये आदर्श जी आ गए, उनको ताफा माला और प्रतीक चिन्ह दीजिए। हाँ, इसके बाद में ये आदर्श के छोटे भाई है, लिखने में आपने सीक्वेंस में गलती की और उन्होंने उसको माना कि पहले बड़े का सम्मान हो फिर मेरा हो, अच्छी बात है, अच्छे संस्कार है। मोहित शर्मा, मोहित जी मोहित जी को भी आप ये माला ताफा और प्रतीक चिन्ह। इसी कड़ी में अगला नाम है लास्ट कार्तिक, ये हर्ष भैया, सुन भी लिया करो, आप इनको दे दें क्योंकि आप आपके सिर पे बाल, सबसे छोटी बेटी है इनकी बाबू परिवार की, तो कार्तिक जी इनका सम्मान कराने के लिए हमने हर्ष लगभग इनकी हम उम्र है लेकिन बड़े कद में जरूर बढ़े हैं, उम्र में लगभग उतनी है, इनको तापा माला और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए इस तरह से। हाँ, अब ये सारा इनका बड़प्पन है कि हमेशा पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं, इनके संस्कार हैं जो उन्होंने बुजुर्गों के संस्कारों को संजो के रखा है, एक ग्रुप फोटो हो जाए और फिर वो हमें ले लगवाए फोटो है और आप भी हैं, आप एक ग्रुप फोटो बनवा लें, मांगे राम जी करें। हाँ, अभी यही करें पहले, हाँ वहाँ ना वहाँ पहलवान के साथ इनको फोटो लग जाएगा फिर तो बाद में तो लेट हो जाएगा। हमारी कमेटी के मेंबर्स भी पहुंचे फिर एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, वो अखबार में लग जाएगा। हाँ बंद हो, नहीं यहाँ आप पीछे नहीं कर सकते, क्या नहीं जा सकते आप पीछे, आप एक अच्छा यार मॉडल प्रस्तुत करिए, हम आदर्श हैं।
अब भाई अब लकड़ी तो आपका सम्मान कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सम्मान इसलिए कर रहा हूँ, पहले आप इनको बाहर करें। थाने वाले बंधु कहाँ है भाई? वो मैं बोल रहा हूँ, थाने से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, प्रदीप जी और राजेश जी। राजेश जी 16 का स्कोर हो चुका है, 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सोनू ना जानवरों का बॉल था, बिल्कुल 1 पॉइंट लगाने पर देखिए ये सम्मान की लीला की जो लिस्ट है मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी है और मैं काफी समय से कराता आ रहा हूँ, लेकिन ये लंबी है, हनुमान जी की पूछ की तरह बढ़ती जा रही है, क्योंकि अफगानियों के पैसे आ रहे हैं तो हमें सम्मान कराना भी हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। इसी कड़ी में मैं श्री लाला राम जी खातूरिया तनु श्री चंद्र मैं उनका भी सम्मान कराना चाहूँगा। श्री नरेंद्र जी इधर आए आप और आप लाला राम जी का माला चापा और प्रतीक चिन्ह के द्वारा उनका सम्मान करें। 7100 की राशि दी उन्होंने भंडारा के लिए, 7100 रुपये की राशि। श्री लाला राम जी थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका इस समय गर्म चल रहा है भाई, बाला माला और प्रतीक चिन्ह के द्वारा लाला राम जी का हाँ। गुरु जी नो फोटो आओ नो अच्छा ना ठीक है। अभी इंद्र यादव की जो टीम आई थी जयपाल यादव जी वो इस मेले के लिए थे, 5100 रुपए की राशि देके गए हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा और उन्होंने 5100 रुपए मात्र 1 पॉइंट की लीड है और आखिरी मिनटों में यह मैच आशीष गोयल इस समय रेड पर। राजेश जी और सर चोट की वजह से काफी समय मैच से दूर रहा और अब आते समय में टीम को जरूरत है ललित की और वह ललित इस समय रेड करता हुआ महम की तरफ से सामने बड़े बेहतरीन खिलाड़ी 4/4 रेड पर स्थिति में आ चुकी है।